Нига дойм бүч. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं चुवा मैजमी यूट्यूब फैमिली ऐसे ठीक अल्लाह ताला थिन प्रार्थ किस ठीक। आज मैं अपनी फैमिली के लिए बनाने जा रही हूँ प्याज के पकौड़े। आप लोग वीडियो पे बनी रहना, चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना। ये अपनी खेती के प्याज है, अपनी खेती के प्याज से मैं आज पकौड़े बनाऊँगी, प्याज के पकौड़े। प्याज के पकोड़े बनाना बहुत ही आसान है, अगर आप लोग भी ट्राई करोगे इंशाल्लाह आप लोग भी बनाओगे अपने ही घर में। जो मार्केट की चीज़ें होते हैं वो आप भूल जाओगे, जैसे अपने घर का कोई चीज़ भी हम बना लेते हैं उसमें इतना अच्छा टेस्ट होता है पूछो मत। आज वही मैं अपनी फैमिली के लिए बनाने जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से ज़िद किया है प्याज के पकौड़े बनाओ। आज मेरा भी मन था प्याज के पकौड़े खाने का, आज मैंने भी सोचा है चलो आज मैं भी प्याज के पकौड़े बनाऊँगी और ख़ुद भी टेस्टी करूँगी। प्याज को भी मैंने अच्छी तरह से कट किया है, अब वॉश करूँगी। प्याज को अच्छी तरह से वॉश करना है और जो भी प्याज के अंदर पानी होगा वो बाहर निकालना है। थोड़ा सा हमें साइड में रखना है 15-20 मिनट के लिए, जब तक सूख जाएंगे थोड़ा सा प्याज। हिम गसन थोड़ा बहुत गंड खोशे गसन। यह है आटा, यह है चावल का आटा, या तो क्वेश्चन पर तुम लोट छो वना। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक 1 चम्मच और फूड कलर। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, रेड या येलो, आज मैं इसमें रेड यूज़ करूँगी। और थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया है, ये असल पठ मरण इस पर मौत ओट से मरना तीन पश्चिम गंड इत मजन त्रावन। इस रेसिपी के लिए आप लोग ज़रूर ट्राई करना अपने घर में, ये रेसिपी से वरिया असल तो वो अत को तक कलर गो असल ऐटिस। अब मैंने इसमें प्याज भी ऐड किया है। प्याज ऐड करने के बाद फिर से मिक्स करना है आटा और प्याज, अच्छी तरह से मिक्स करना है। हम गसन असल पट जुरान इन तीन पत चम पत फ्राई करें। वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो लाइक भी करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रही हो कमेंट में ज़रूर बताना। अब 15 मिनट के लिए ढक्कन रखूँगी, जब तक तेल बॉईल हो जाएगा। तेल भी बॉईल होने ही वाला है, अब इसमें प्याज डाल दूँगी। छोटे छोटे डालने आप अपने हिसाब से ले सकते हो, मैं बड़े भी डालूंगी छोटे भी डालूंगी, दोनों साइज डाल दूंगी मैं इसमें। आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है। छोटे छोटे पकौड़े भी बना सकते हो, बड़े बड़े पकौड़े भी बना सकते हो, जैसे आप लोगों को पसंद हो वैसे आप बना सकते हो। बट ट्राई करना इस रेसिपी के लिए ज़रूर अपने घर में, आपको भी पता चलेगा ये रेसिपी कितनी क्रिस्पी होती है, बहुत ही मज़ा आता है इसमें खाने में। एक तरफ से पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, अब दूसरी तरफ से भी ऐसे ही फ्राई करना है। जब ये रेसिपी तैयार हो जाएगी तो उसके बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी मेरी बहनें क्या करेंगे, वो कितना झगड़ा करेंगे खाने में। उनको भी पकौड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद है, चाहे आलू मंज आसन, चाहे प्याज के पकौड़े हो, चाहे आलू के पकौड़े, जो भी हो उनको बहुत ही पसंद है। अब मैंने इस बर्तन पे पेपर रखा है, जो भी इसमें एक्स्ट्रा तेल होगा वो इस पेपर पे ही रहेगा। ये रेसिपी, ये पकोड़े किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे आसन पकौड़े तो बेअल में सर्वेन पसंद, जब भी हम मार्केट जाते हैं हम ये खाते हैं वहाँ से। पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, अब तेल से निकाल के पेपर पे रखूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा तेल हो वो बाहर निकल जाएगा। जो बाकी के प्याज है वो भी ऐसे ही फ्राई करना है, उनको भी ऐसे ही फ्राई अच्छी तरह करना है। उसके बाद में हम पूरी फैमिली एक साथ ही टेस्ट करके आप लोगों को दिखाएंगे। प्याज के पकोड़े तैयार हैं,
अब हम पूरी फैमिली एक साथ ही टेस्ट करेंगे। یہ گٔے اَسہِ اَکھ بُچھ أمِس ووت أتھۍ پٮ۪ٹھ کھٮ۪وان چلو اب نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ